यहाँ पर टाइगर्स को पाला जाता था। जब लालबाग पैलेस इंदौर के होलकर्स की शान माने जाने वाले इस महल से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। इस महल के परिसर में एंटर होते ही आप सबसे पहले देख सकेंगे इसका गेट। ये गेट दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प है इससे जुड़ा किस्सा। आपको बता दें कि ये इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस के गेट के जैसा बनाया गया है। इस गेट को बनाने के लिए गर्म लोहे को सांचे में डाला गया था। बनाने के बाद इस गेट को समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया। इस गेट की खास बात यह है कि अगर आज इस गेट को किसी भी तरह की रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ लंदन में हो सकती है। इस महल के गेट पर होलकर्स का शाही चिन्ह बना हुआ है जिस पर लिखा है, जो प्रयास करेगा वो सफल होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के एक और एपिसोड में। अभी तक हमारी वीडियो से आपने जाना होगा कि इंदौर शहर कैसा है, लेकिन इंदौर शहर का इतिहास भी बेहद ख़ास है। और जब इतिहास की बात होती है तो इंदौर के पैलेसेस के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम पहुँचे हैं लालबाग पैलेस में। तो चलिए इस पैलेस को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जगह कैसी है और इसका इतिहास क्या है। रेवेन्यू कॉलोनी में बसा यह परिसर 72 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर महल, आलीशान बाग, मंदिर जैसे काफ़ी कुछ देखने को है। खान नदी के किनारे बना ये 3 मंजिला महल जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है उसे कई ज़्यादा आलीशान ये अंदर से है। ये वो मंदिर है जिसे ख़ास तौर पर इसी महल के लिए स्थापित किया गया था। माना जाता है कि जब इस महल में राजा रहते थे तो वो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। इस महल का इंटीरियर बेहद वेस्टर्नाइज्ड और खूबसूरत है। यहाँ का ज़्यादातर फर्नीचर और साज सज्जा हमें राजसी और पूर्व जॉर्जियन स्टाइल की याद दिलाते हैं। यहाँ की सजावट इनकी छतों और फर्श की शोभा बढ़ाते हैं। इन सब को देखने के बाद आप होलकर्स के अच्छे टेस्ट की तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस महल को बनाने की शुरुआत साल 1886 में तुकोजीराव होलकर सेकंड की देखरेख में हुई। साल 1921 में ये महल 3 चरणों में बनकर पूरा हुआ तुकोजीराव होलकर 3 की देखरेख में। अपने यूनिक स्टाइल की वजह से इसे मोस्ट स्टाइलिश रेजिडेंसेज में से एक माना गया है। यहाँ के इंटीरियर में आपको इटालियन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे।
इस महल का हर कोना होल्कर्स की शानो शौकत की गवाही देता है। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पर होल्कर्स के शाही इतिहास से जुड़ी बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर मुगल दौर का कॉइन कलेक्शन है। यहाँ के हॉल में स्टफ्ड टाइगर्स रखे हुए हैं जो होल्कर्स के शिकार के शौक को बखूबी दर्शाते हैं। इसके बाद अगर बात इनके कमरों की जाए तो वहाँ के बेड, ड्रेसिंग टेबल और बाकी फर्नीचर हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जब यहाँ राज परिवार का शासन हुआ करता था। इस महल की देखरेख अब सरकार करती है, जिसने अब यहाँ की मरम्मत करवाकर इसे म्यूजियम बना दिया है। महल में राज परिवार साल 1978 तक रहा और यहां के आखिरी राजा तुकोजीराव होल्कर III थे। दाहिनी ओर बावड़ी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है। लालबाग की खूबसूरती से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। आपने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में जैसे कलंक और सिंह साहब दी ग्रेट में इस महल की झलकियां जरूर देखी होंगी। इस वक्त हम बैठे हैं लालबाग पैलेस के गार्डन में। जरा सोच के देखिए कि जब शाही परिवार यहाँ रहता होगा तो संध्या का आनंद लेने के लिए वो यहीं आता होगा। कहते हैं कि शाही परिवार जो भी करता है बड़ी शान शौकत से करता है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो भी उसी का एक एग्जाम्पल है। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बताया जाता है कि यहाँ पर टाइगर्स को पाला जाता था। जब उन्हें यहाँ लेके आते थे तो उन्हें यहीं रखा जाता था। तो आज आपने हमारी वीडियो के जरिए जाना इंदौर के लालबाग पैलेस के इतिहास के बारे में। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन। तब तक के लिए लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।